हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बंगाली स्टाइल रसगुल्ला बनाने जा रही हूँ। आइए मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ। इधर मैंने गैस पर दूध रख दिया है, मैं गैस को ऑन कर लेती हूँ। ऐसे मिलाते हुए ही मैं इसे उबाल लूँगी। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो आसानी से आप देख सकें। इसमें अच्छे से उबाल आ गया है, अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। दो चम्मच मैं यहाँ विनेगर ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध में डालते जाऊँगी, ऐसे मिलाते रहूँगी। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस से भी दूध को फाड़ सकते हैं, वो आसानी से फट जाता है। ये दूध हमारा फट गया है। अब मैं इसे छान लेती हूँ। पनीर को मैं अच्छे से धो लेती हूँ। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब एक्स्ट्रा पानी को मैं निकाल लेती हूँ। इस पानी से आप आटा भी गूंथ सकते हैं, दाल में भी डाल सकते हैं, या तो आप कढ़ी भी बना सकते हैं, या तो आप सब्जी में भी डाल सकते हैं। पनीर को मैं अच्छे से मसल लेती हूँ। मसलते हुए मुझे 10 मिनट हो गया है। ये बिल्कुल नरम हो गया है। अब मैं दो भागों में इसे बांट लेती हूँ। आज मैं दो कलर का रसगुल्ला बना रही हूँ। एक भाग में मैं येलो फूड कलर डाली हूँ। ऐसे अच्छे से मैं मिला लूँगी। अब छोटे छोटे पीसेस में मैं इसे तोड़ लेती हूँ। साइज आप बड़ा या छोटा आप रख सकते हैं। इस तरह से मैं गोल गोल रसगुल्ला तैयार कर लूँगी। इधर मैंने गैस पर कुकर रख दिया है। डेढ़ गिलास में पानी डाल रही हूँ। एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने चीनी डाला है। चीनी में अच्छे से उबाल आ गया है। दो इलायची मैं कुटा हुआ डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मैं मिला दे रही हूँ। अब एक एक करके मैं इसमें रसगुल्ला डाल रही हूँ। अब ढक्कन मैं लगा देती हूँ। एक सीटी आने के बाद मैं गैस को बंद कर देंगी। सीटी आ गया है, मैं गैस को बंद कर देती हूँ और मैं इस सीटी निकाल लेती हूँ। ये बनकर तैयार हो गया, मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैंने इधर बर्फ़ का पानी लिया है, अब इसे इसमें डाल देती हूँ। 5 मिनट तक मैं इस बर्फ़ का पानी में इसे रखूँगी, ताकि हमारा जो रसगुल्ला का साइज थोड़ा बड़ा दिखेगा। 5 मिनट हो गया, वापस से मैं इसमें चाशनी में इसे डाल देती हूँ। मैं अच्छे से इसे निचोड़ निचोड़ डाल रही हूँ। आप इसे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं 10-15 दिन के लिए। ये ठंडा होने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।